फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पी और फूड्स एंड फ्लेवर्स इन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही आसान स्नैक पोहा कचौरी बनाने की रेसिपी दूंगी। यह स्नैक मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान होता है। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर पे मिल जाएंगे और ये बच्चों और बड़ों दोनों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो आइए बनाते हैं पोहा कचौरी। इसके लिए हम एक बाउल में 1.5 कप उबला हुआ और कसा हुआ आलू लेंगे। इसमें हम ब्रेड मिलाएंगे। इनको हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। मैंने यहाँ पहले से ही ब्रेड को तोड़ रखा है, मैं इसको मिला लूँगी। इसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालें क्योंकि हम नमक स्टफिंग में भी डालेंगे। हम इनको अच्छे से मिलाएंगे और आटे की तरह माड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मड़कर तैयार है। हम इसको अलग रखेंगे और आइए अब स्टफिंग तैयार करते हैं। इसके लिए हम पोहा लेंगे। आप यहाँ पर मोटा या पतला किसी भी क्वालिटी का पोहा ले सकते हैं। इसको मैंने पानी में भिगोकर छान लिया था, फिर हाथ से पोहे को निचोड़कर सारा पानी निकाल दिया था। हम इसको एक बाउल में डालेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून भुनी हुई और दरदरी की हुई मूंगफली डालेंगे, 2 महीन कटी हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून नींबू का रस, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर उबले हुए मटर भी डाल सकते हैं। हम थोड़ी थोड़ी स्टफिंग हाथों में लेंगे और इस तरह के छोटे छोटे गोले बना लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आप आलुओं को उबालकर और ठंडा कर कर ही यूज करें, नहीं तो कचौरियाँ तेल में फट सकती हैं। अब स्टफिंग तैयार है, तो आइए अब कचौरियाँ तैयार करते हैं। इसके लिए मैं अपने हाथों में थोड़ा सा तेल लगाऊंगी। अब हम थोड़ा सा पोहे का मिक्सचर हाथों में लेंगे और इसको इस तरह से गोल करेंगे। अब इसको हल्के हाथों से दबाएंगे और किनारों की तरफ दबाकर इस तरह से बाउल का आकार बना लेंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग रखेंगे और इसको चारों तरफ से दबाकर बंद कर देंगे। यह ध्यान रहे कि सारी स्टफिंग अच्छे से पैक हो जानी चाहिए। अब हम हाथों में थोड़ा सा पानी लेकर कचौरियों को चारों तरफ से इस तरह से स्मूथ कर लेंगे। और अब हम इसको हल्के हाथों से दबाकर कचौरियों का आकार देंगे। इसी तरह से मैं बाकी की कचौरी भी बना लूंगी। यहां ध्यान रहे कि कचौरी ऊपर से स्मूथ हो और उन्हें क्रैक्स ना हो, नहीं तो वह तलते समय फट जाएंगी। कचौरियाँ अब तैयार है और मैंने तेल को भी मध्यम आंच पर गरम कर लिया है। हम एक बार में 2 से 3 कचौरियाँ डालेंगे और उनको सुनहरा और कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ बीच बीच में अब कचौरियों को कई बार पलटें जिससे एक सार सिक सके। इनको तलने में करीब 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। कचौरियाँ अब तलकर तैयार हैं। आप इनको अपनी मनपसंद की सॉस या चटनी के साथ सर्व करें। यह कचौरी आप ज़रूर बनाकर देखिएगा और बताइएगा कि यह कैसी बनी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।